खबर जोधपुर से है, जहां कोरोना वायरस के संक्रमण का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और संक्रमित मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन को कई तरह की मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वैसे तो देश भर से नर्सिंग कर्मियों पर हमले की खबरें आ ही रही हैं और इस बीच ऐसे ही मामलों में जोधपुर का नाम भी जुड़ चुका है। लगातार शिकायतें मिलने के बाद जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर ये कहा कि सरकारी कर्मचारी के साथ किसी तरह की बदसलूकी या आनाकानी करने पर कार्रवाई की जाएगी और 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। आज 4 अप्रैल को जोधपुर में कोरोना वायरस के 7 नए केस सामने आए और ये सारे के सारे केस जो पूर्व में एडमिटेड पेशेंट हैं उनके ही कॉन्टेक्ट हैं। एक केके कॉलोनी बासनी की महिला थी, उनके परिवार वाले, उनकी बेटी और उनके हस्बैंड, उनको भी आज पॉजिटिव आया है। ये दोनों ही आंगनवाड़ी के क्वारंटीन सेंटर में थे।